अभी जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वर इसको लुंडा बाजार कहते, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है, लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना ये। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। नहीं और इस ट्रेंड को पाकिस्तान, भारत ने, भारत से एक दिन में, सोचें जरा इस ट्रेंड को, भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ इस ट्रेंड पे, भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा 24 घंटे में। और भारत खित्ते का, जिस तरह कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान, ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। तेरा बाप आया। अब आप देखें, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फिरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है, और इसके साफ साफ अल्फाज हैं, क्या कहते हैं कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमजोर कर दो। लेकिन एक सेकंड, तेरा बाप आया। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में, और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। सही बात है। पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों और जो दीगर मजाहिब हैं उन पे हमले जा रही हैं। बीजेपी और आरएसएस सोच की वजह से भारत में अकलियतों पर हमले किए जा रहे हैं, सलूक किया जा रहा है। जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर, जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना, उनको ये एहसास नहीं है कि इंडिया वाले कितना तशद्दुद कर रहे हैं और रोज रोज कई 100 कश्मीरियों को मार दे, मतलब ये कुछ भी बोलते हैं सर। और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं सर इनका ना, जो कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, वी रियली एंजॉय की ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक पाकिस्तानी फर्जी पत्रकार है, उसका नाम है फिजा खलीफा, वो हीरा मंडी से भागी हुई औरत है, वो पता नहीं उसको कैसे फर्जी डिग्री मिल गई पत्रकारिता की, जो एंकरिंग करती टीवी में बैठ के। ये औरत हमेशा 24 घंटे भारत को कोसती रहती है, भारत को, मोदी जी को, भारतीय सेना को, और हमेशा मुस्लिमों की हमदर्द बनती है, कश्मीर के ऊपर हमदर्द बनने की कोशिश करती है, कश्मीर में इतना जुम कर रहा है भारत, ये कर रहा है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, यान वो नहीं है, चार कश्मीरियों को मार दिया, मरते आतंकवादी लेकिन इसको मासूम कश्मीरी लगते हैं। यारी समझ गई। कुल मिला के ये है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे ये भारत नाम की माला जपती है। मैं जानता हूँ। और हमारे देश मेजर गौरव आर्या जी के खिलाफ भी बहुत बड़बड़ करती रहती है, लेकिन गौरव आर्या जी ने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी इन कुछ दिनों के अंदर इसकी बड़बड़ ज्यादा हो गई थी, गौरव आर्या जी ने बिना नाम लिए काफी जवाब दिए। आप अपना काम करो ना भाई, सीट की पेटी बांध लो, आपका भाई बीच में नहीं आने वाला, आपका भाई मिलेगा आखिरी में, मिलके जाना ठीक है। कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश करता है, और भारत खित्ते का, जिस तरह कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। और इस ट्रेंड को पाकिस्तान, भारत ने, भारत से एक दिन में, सोचें जरा इस ट्रेंड को, भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ इस ट्रेंड पे, भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा 24 घंटे में। ये कितना दुख होता है ना कि जहां का खाते हैं, जहां पे रहते हैं, और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलके। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। 1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है? जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि नाम एक गाली बन जाए।
हम इनको जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्लोगारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेररिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर आप देखिएगा, और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूं, आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना सैंक्शन पाकिस्तान, ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो। इकोनॉमिकली इनका जीएसपी प्लस का जो खेल है राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शन है, और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहां, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर्स रिटर्न करने हैं, अब 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली है। ये कहां कहां से 8 या 9 साल का बच्चा, ये भी बता दूंगा जिसको कला दिया ना, बोले किसने ऐसी हवा में 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश में, हिंदू क्या मुसलमान क्या हिंदू, उसको नहीं पता सर, उसको नहीं पता है। आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है, आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, नहीं आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर आपका ऑन होने वाला है 6 महीने के अंदर, और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई। और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे 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 आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये इसको ना यू हैव टू पुट डाउन दैट क्रीचर, एंड द वे टू डू इट इज इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान, दैट इज नंबर 1 सर। ये बढ़िया था गुरु। अभी तो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची पर इसको लुंडा बाजार कहते, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है, लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना ये कंट्रोल उदय गौरव आर्या जैसे अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, नहीं टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है, और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और तुम्हारी फौज, तुम लोग की जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में, दुनिया जानती है, इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा। चुप चुप, तेरा बाप आया। सर हमें तो भांसी भी आती है कभी, हम सोचते हैं कि कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं ना, बेसरफेयर की बातें। और कुछ कुछ खास तौर से एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ एंकर्स हैं, एक 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 एंकर है जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना। अच्छा इनमें से कश्मीर को गया नहीं कभी, ये कहते हैं कश्मीर में इंटरनेट काम नहीं करता। सर श्रीनगर में जितना इंटरनेट काम करता है ना उतना इस्लामाबाद में काम नहीं करता, और 1/5 रेट पे काम करता है, 1/5 रेट पे, इतना सस्ता। इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डिजिटल लोएस्ट इंटरनेट कॉस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में क्या ना के बराबर है सर, 199 रुपए पर मंथ में तो अनलिमिटेड है, आप जितना इंटरनेट यूज करो, आपको जितने फोन कॉल करने, इंडिया में तो ये हाल है। खैर एनी वे सर, ये चक्कर जो है ना ये इनका बेसिकली क्या है कि ये बात करते हैं कि वहां पे कर्फ्यू लगाए, और मैं देख रहा था, मैं कश्मीर में ही देख रहा था सर ये इनका प्रोग्राम ना, मैं पिछले साल गया था कि कह रहे कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो मैं जब इन्होंने बोला कश्मीर में कर्फ्यू लगाया सर, तब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने पोस्ट करा था ट्विटर पे, उस वक्त वहां पे ट्रैफिक जाम था सर, मैं फंसा हुआ था ट्रैफिक जाम में जाने के लिए, मुझे जाना था सर वो ललित होटल है वहां पर श्रीनगर में, मुझे किसी से मिलना था फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तो मैं जा रहा था ललित होटल, अब मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ सर, वो डल लेक से थोड़ा सा आगे जाके ललित होटल है, मैं वहां पे फंसा, मैं इतना परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये कॉमेडी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, ये कह रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है, यहाँ पे मैं ट्रैफिक जाम में फंसा। तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा दूसरी चीज है कि सर इनका ना ये मैंने देखा है कि इनके पास कोई इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हाउस नहीं पाकिस्तान जो अपना मौजूद दूसरों को दिखाए, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, और सिर्फ टूरिस्ट नहीं है सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के जासूस भी आते होंगे विदेशी देशों के, क्यों नहीं आएंगे सर, अमेरिकन के नहीं आते होंगे, यूरोपियंस के नहीं आते होंगे, MI6 के लोग नहीं होंगे वहां पे, 10 बार होंगे, तो सब लोग आते हैं, तो सबको सच्चाई पता है कश्मीर में होता है, एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ। ये लोग कहते हैं आप लोग मीडिया अलाउ नहीं करते, किसको नहीं अलाउ करते, लोग जाते हैं वहां पे रिपोर्ट
करते हैं। आप 9 बजे इंडियन टीवी चैनल का भी देखिए, कश्मीर पे बहस है, कश्मीरी मुस्लिम वहां पे बैठता है, खूब बैंड बजाता है सब, बीजेपी का सरकार का खुल के कुछ नहीं हो रहा, उसको मजे मार रहा है वहां पे। तो ये पाकिस्तान का सर कश्मीर कार्ड, ये जो कार्ड है ना सर कश्मीर का, ये क्रेडिट कार्ड इतनी बार स्वाइप कर दिया है पाकिस्तान ने, इतनी बार स्वाइप कर दिया ये मुसलमान होने का इस्लामिक कार्ड, कि अब वो क्रेडिट कार्ड ना ब्लॉक हो गया, अब वो काम नहीं करता वो कार्ड, दैट कार्ड इज बिकम यूजलेस, वो कोई पूछता नहीं है। तो यही चीज है, हमें तो बड़ी हंसी आती है व्हेन वी जैसे कि वहां पे कश्मीर में 1,00,000 लोग मार दिए, 2,00,000 लोग मार दिए। अब तो कश्मीरी भी बेचारे कश्मीरी मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं सर पाकिस्तानी मीडिया देख के, ये इन्होंने एक फेक न्यूज चला दी कि श्रीनगर में इतने लोगों को मार दिया। तो मेरा दोस्त है वहां पे सर, ही कॉल्ड अप, ही सेज ये कहां पे हुआ मेजर साहब, आपको कुछ पता है? मैंने बोला भाई आप श्रीनगर में आप ही ढूंढ लो, आपको बेहतर पता होगा। श्रीनगर इज अब तो सर एक जमाने में बड़ा छोटा होता था सर, 15 मिनट में श्रीनगर पार हो जाता था, अब तो श्रीनगर भी ऐसा हो गया कि बिल्कुल इट्स बिकम लाइक चंडीगढ़ और जयपुर, इट्स बिकम वेरी बिग। श्रीनगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पे हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया श्रीनगर। लेकिन आप सिर्फ इससे देखिए ना सर कि कश्मीरियों को क्या क्या फैसिलिटीज हैं सर, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो इंडियन कश्मीरीज हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज सरकार देती है। सर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का छोड़ दीजिए, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, आप उसकी बात, सर एक आम पाकिस्तानी लाहौर इस्लामाबाद में तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी इंडियन कश्मीर में सर, जिस तरीके से इंडियन कश्मीर बढ़ रहा है, दे कैन नॉट इमेजिन दैट सर, वो जिस तरीके के वहां पे लग्जरी होटल्स हैं, जिस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से वहां पे तरक्की हो रही है, इट्स एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का, मेजर गौरव आर्या ने, मेजर गौरव आर्या जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर है और डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का, मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट करने का क्या तरीकाकार बताया था, तजवीज दी थी उसने। आज आप देखें पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, सुने मेजर गौरव आर्या क्या कहता है। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में, और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे, कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है, एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है, उनसे बोलना देखो मौलवी साहब एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2,00,000 रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे, आपके या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2,00,000 रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी, और आपकी हर चीज का, आपके यू नो परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी, आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह, इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो, आप उसको पैसा दें, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं, जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता, वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। ये है जी एक्सप्लॉइट करने का पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर। मुल्क का बाल बाल जो है वो कर्ज में जकड़ा हुआ है, महंगाई का चिन्ह बेकाबू था, फिर जो मईशत है वो बदहाल थी, कुछ तरीका है भीख मांगने का? फिजा अकबर खान हमेशा भारत के खिलाफ झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, इसकी तथ्यों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती, इसका सिर्फ एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, इतना पूरी तरीके से सेट है, चाहे भारत वहाँ पे इन्वॉल्व हो या ना हो, हर चीज के लिए भारत को ब्लेम करना, झूठ बोलना, क्योंकि इनका एक ही मेन मकसद होता है पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी लोगों का, कि भारत को कैसे भी नीचा दिखाया जाए, पूरी दुनिया के अंदर भारत को शर्मिंदा किया जाए, कितनी फेक पोस्ट है, फेक ट्वीट, फेक वीडियो, फेक न्यूज टोटल भारत के खिलाफ चलाते हैं, ताकि किसी तरीके से भारत में परेशानी हो, दिक्कत हो, और कभी मुसलमानों की हिमायती बन जाती है, कभी किसानों की हिमायती बन जाती है, तो ये औरत टोटल फुल प्रोपेगेंडा चलाती है, इसको अपने पाकिस्तान की नहीं पड़ी है कि इसके पाकिस्तान में क्या होता है,
वहाँ लोग गुर्बत में जी रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी इतनी महंगी हो गई है, वो उससे इसको मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि भारत से ये औरत भारत दुश्मनी में इतनी बुरी तरीके से बौखला गई है, पागल हो गई है। जब रात को इसका पति इसके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करता है तो तब भी ये उसको भी रोक देती है कि तू रोक एजेंट है, मुझे हाथ मत लगा। इस कंडीशन पे चली गई है ये पागल औरत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको एक कमेंट करना है, कमेंट ऐसा करना है कि कोई भी पाकिस्तानी पढ़े तो उसको ऐसा लगे किसी ने चाटा मारा मेरे गाल के ऊपर, तो ऐसा झंडाटेदार कमेंट उतार दीजिए। और दूसरा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक आपके भाई की आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके भाई का एक इंस्टाग्राम भी है, एक यूट्यूब का ब्लॉगिंग चैनल भी है, वहाँ पे 200-250 से ज़्यादा फॉलोवर नहीं है आपके भाई की, उसकी कंडीशन बिल्कुल पाकिस्तान की तरह एकदम भूखा नंगा कंगाल, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई को। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, आपका भाई ऐसे वीडियो बनाता रहता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन एक बात तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि गौरव आर्य जी ने जो बजाई फिजा की, अगर ये वीडियो फिजा तक पहुँच गया और उसने देख लिया, मैं सच बता रहा हूँ, वो 3 दिन तक सो नहीं पाएगी। तो आप शेर ठोक दो।